हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2017 में पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन, सेक्शन बी का क्वेश्चन है, जो कि मॉडर्न एल्जेब्रा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और ये प्रश्न सेक्शन बी में पूछा गया था CSR नेट पे। क्वेश्चन क्या कहती है, लेट जो फंक्शन है हमारे पास जेड से जा रहा है, जेड अपॉन 4z क्रॉस जेड अपॉन 6z। बी द फंक्शन जो हमारा है, फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, n मॉडुलो 4 कॉमा n मॉडुलो 6। देन कह रहा है कि 0 मॉडुलो 4 कॉमा 3 मॉडुलो 6 इज द इमेज ऑफ f। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ऑप्शन बोला है हम a मॉडुलो 4 कॉमा b मॉडुलो 6 इज इन द इमेज ऑफ f फॉर ऑल इवन इंटीजर्स। और थर्ड ऑप्शन बोला है इमेज ऑफ f हैज एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स। और थर्ड फोर्थ ऑप्शन है कर्नल ऑफ f इज कॉस्ट 24z। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और फिर वन बाय वन क्वेश्चन ऑप्शन को हम डिस्कार्ड करेंगे, बिकॉज ऑफ सेक्शन बी का क्वेश्चन है तो कोई हमारा एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा। देखिए, हम क्या जानते हैं कि जो जेड अपॉन एन जेड होता है वो आइसोमॉर्फिक किसके होता है, जेड एन के होता है ऑलवेज। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन की हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जेड अपॉन 4z जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा जेड 4 के, और जेड अपॉन 6z जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा जेड 6 के। तो जो हमारा फंक्शन है वो किस प्रकार से हो जाएगा कि जो फंक्शन है वो जेड से किस में जा रहा होगा, जेड 4 क्रॉस जेड 6 में जा रहा होगा। और हमें एन के प्लेस पे हमें क्या रखना है फंक्शन में, 1, 2, 3, 4 इंटीजर्स रखने हैं। तो देखिए, हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या डिफाइन है, एन मॉडुलो 4 एन मॉडुलो 6। देखिए, जब हम सबसे पहला इंटीजर 0 पुट करेंगे एन के प्लेस पर, तो जो मॉडुलो के केस में का मतलब होता है रिमाइंडर। 4 का रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, और 6 के रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो जब 0 रखेंगे तो 0 पे तो ये 0 भी होगा, ये भी 0 होगा, तो 0, 0 आ गया। 1 रखेंगे तो इसके लिए भी 1 है, इसके लिए 1 है, क्योंकि 4 से छोटा है और 6 से छोटा है, डिवाइड कर ही नहीं सकते। 2 के लिए 2, 2 हो जाएगा, 3 के लिए 3, 3 हो जाएगा, 4 के लिए यहाँ 4 रखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0। और इसके लिए 4 रखेंगे तो 6 से छोटा है तो 4 ही आएगा। ऐसे जब आप करते रहेंगे 12 पे, तो चूंकि यहाँ पर 12 आ जाएगा, 4, 3, 12 पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर 0। 12 रखेंगे 6, 2, 12 तो 0। 13 रखने पर फिर से आपका वही आ जाएगा, 4, 3, 12 रिमाइंडर 1, 6, 3, 12 रिमाइंडर 1, तो 1, 1। 12 एलिमेंट के बाद इमेज फिर से रिपीटेड होनी शुरू हो जाएंगी 11 एलिमेंट्स के बाद, है ना। देखिए, 12 पे फिर 0, 0 आ गया ना, 11 एलिमेंट्स के बाद आपकी इमेज क्या होगी, रिपीटेड होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा हमने इमेज अभी से हमने निकाल के रख दिया है, क्योंकि इन सब की जो इमेज की ज़रूरत हमें नेक्स्ट अभी पढ़ने वाली है। तो ऑप्शन फर्स्ट पे आ जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में बोला है कि 0 मॉडुलो 4, 3 मॉडुलो 6 इज इन द इमेज ऑफ f, कि ये 0 और 3, ये जो 0 और 3 है वो इमेज है कि नहीं है इसके f के, वो हमें चेक करना है। तो देखिए, यानी कि 0 और 3 है, 0 कब मिलेगा हमें स्टार्टिंग पे, जब 0 हमें तभी मिलेगा जब यहाँ पर 4 का हम मल्टीपल लेंगे, n 4 का मल्टीपल, जैसे कि 4, 8, 12, 16 जब ऐसे लेंगे। तो देखिए, जब 4 पे चेक करेंगे, सबसे छोटा मल्टीपल हमारा 4 ही होगा, बिकॉज a मॉडुलो 4 हो ना, तो n 4 के केस में 4 जब हम रखेंगे तो 0, 4 आ जाएगा इमेज। 8 रखेंगे तो 0, 2 आ जाएगा, बिकॉज 4 रखेंगे और 4 से भाग देंगे तो 0, और 6 के लिए तो यहाँ पर 4 ही हो जाएगा। 8 रखेंगे तो 4 × 8 0, और 6 से भाग दे देंगे 8 को, तो रिमाइंडर कितना दे देगा, 2। 12 रखेंगे 0, 0 दे देगा, 16 रखेंगे तो फिर से 0, 4 हो जाएगा। यानी कि ये जो 3 लिमिट है घूम फिर के यही चलती रहेगी, कभी भी हमें ये इमेज नहीं मिलेगी 0, 3। 0 तो स्टार्टिंग में है, लेकिन 3 यहाँ पर कभी नहीं आ रहा है। यानी कि ये जो 0, 3 है वो इस इमेज के अंदर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन सेकंड पर। ऑप्शन सेकंड क्या है कि a मॉडुलो 4 b मॉडुलो 6 इज इन द इमेज ऑफ f फॉर ऑल इवन इंटीजर a एंड b। ठीक है, ऑल इवन इंटीजर की बात की है। ठीक है, तो इवन की बात की है, तो हमारे पास देखिए a मॉडुलो 4 है और यहाँ b मॉडुलो 6 है, तो यहाँ पर जो इवन हो सकते हैं, इवन क्या होगा, 4 के केस में
0 होगा और 2 होगा, और 6 केस में क्या हो जाएगा, 0 टू 4 हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पॉसिबल इमेजेस बन सकते हैं वो 0 0 बन सकते हैं, 0 2, 0 4, 2 2, 0 4, है ना, ऐसे इमेज बन सकते हैं। और ये सारे की सारी जो इमेज है, जो अभी हमने इमेज कंस्ट्रक्ट किया था, उसके अंदर सभी बिलोंग करते हैं फॉर ऑल इवन इंटीजर्स। यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन थर्ड पर, कह रहे हैं कि इमेज ऑफ एफ हैज़ एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स। नो, बिकॉज जब हम इमेज कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो वहाँ पर देखा था कि 11 या 12 इमेज आ रही थी, 11 के बाद जो रिपीट करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर बोला कि सिर्फ और सिर्फ 6 हैं, नहीं, तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 में गलत। तो ऑप्शन फोर्थ क्या कहता है कि कर्नल ऑफ एफ क्या है, किसके बराबर, 24 जेड के बराबर है। कर्नल क्या होता है, आपको पता है कि जो डोमेन और जो कोडोमेन का जो आइडेंटिटी होता है, उसके साथ जो एलिमेंट मैप होते हैं उसे हम कर्नल बोलते हैं। यानी कि अगर एक्स जेड में है तो फंक्शन एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 0 0, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और 0 0 क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है। तो कर्नल हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 0, और 0 0 आपको होने के लिए क्या चाहिए कि वो आपका 4 और 6 का मल्टीपल हो, तभी ये 0 छोड़ेगा और ये भी 0 छोड़ेगा, है ना। मल्टीपल किसके होने चाहिए, 4 और 6 के। यानी कि कर्नल क्या होना चाहिए, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 व्हिच इज 12। तो कर्नल क्या हो जाएगा, कर्नल ऑफ एफ होना चाहिए 12z, और क्वेश्चन में बोल रहा है 24z, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।